नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाजे प्रकरण, महाविकास अघाड़ी सरकार को पड़ा भारी। जेपी शिक्षा सभापति ने लिया कोविड का टीका। एमपी के 3 शहरों में आज टोटल लॉकडाउन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वाजे प्रकरण, महाविकास अघाड़ी सरकार को पड़ा भारी। आज प्रेस क्लब में माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद में वाजे और परमिंदर सिंह प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाते उनका आंदोलन शुरू रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में शरद पवार अपनी सरकार बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब वाजे को नियुक्त किया गया वो किसी भी मंत्री के आदेश के बिना इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते। वाजे को वो पद पर पहुंचाना ये उनके ऊपर सरकार का आशीर्वाद ही है। और साथ ही उन्होंने कहा 10 से 15 साल पहले रिटायर हुए डीजीपी क्या ये जांच की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक गृह मंत्री राजीनामा नहीं दे सकते तब तक ये आरोप वाजे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए उनका राजीनामा देना जरूरी है, तभी ये प्रकरण के निष्पक्ष जांच होंगी और इस प्रकरण की जांच केंद्र सरकार की ओर से की जाए तभी इस निष्पक्ष जांच हो पाएंगी। तो वही दूसरी ओर जेपी शिक्षा सभापति ने लिया कोविड का टीका। और एंटीलिया बॉम्ब केस में वाजे इनकी अरेस्ट के बाद जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके चलते महाराष्ट्र की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। लेकिन होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी जो भी डीजी सीआईएसएफ है श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर किए। जिस समय ये ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गृह मंत्रालय के भी, गृह मंत्री के कार्यालय के भी और गृह मंत्री जी का नाम लेकर भी किस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस श्रीमती रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये बात डीजी साहब के ध्यान में लाकर दी। डीजी साहब ने बताया नियम के अनुसार इसमें एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के एसीएस को इनको इसकी जांच करने के और जांच करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलांस पर रखने की परमिशन मांगी। एसीएस होम ने कानूनन को परमिशन दी और उस परमिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसका सीरियस कॉग्निजेंस लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कमिटी सेटअप करके
उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी, उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिश्नर इंटेलिजेंस को हमने पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि डीजी के ऊपर, सुबोध जायसवाल जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं, ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है, वहीं पर उनको पोस्टिंग देने की बात कही गई। और जिसको डीजी सुबोध जायसवाल जी ने विरोध किया, और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वहीं पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये ध्यान में आया तो सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में चले गए। अभी तो सीओआई भी उस समय की सेंट्रल डेपुटेशन में चली गई है, लेकिन उस समय अगर ये रिश्वतखोरी दलाली अगर रोकी जाती है और कार्रवाई होती तो आज की यह परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मौजूद है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कोविड 19 का टीका लगाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक जारी है। वाड़ी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए गोंडखेरी वहाड़ स्वास्थ्य केंद्र पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागपुर पंत अंतर्गत अमरावती महामार्ग स्थित शिवा उप स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को नागपुर जिला परिषद की अर्थ व शिक्षा सभापति भारती अनिल पाटिल ने कोविड का टीकाकरण कर मुहिम का शुभारम्भ किया। उन्होंने नागरिकों से कोरोना प्रतिबंध हेतु नियोजन बनाकर टीका करने सभी से आह्वान किया है। वही तीसरी और एमपी में तीन शहरों से आज टोटल बंद। एमपी के तीन शहरों में आज टोटल लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती रही। रविवार को अस्पताल और मेडिकल छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। सुबह सिर्फ दूध सप्लाई की छूट दी गई। हालांकि दोपहर में नजर बदलने लगा। भोपाल और जबलपुर में लोग निजी वाहनों से आने जाने लगे। पुलिस ने भी सुबह जैसी सख्ती नहीं दिखाई। इंदौर में दोपहर बाद पुलिस सख्ती हुई। वही छिंदवाड़ा में भी लोगों ने स्वच्छ से बाजार बंद रखे। सुबह 9 बजे तक लोगों की आवाजाही सड़कों पर नहीं रुकी तो पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। पूछताछ के बाद जिन्हें छूट दी गई थी उन्हें जाने दिया गया। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वालों को दोगुना किराया देना पड़ा। इंदौर के रिगल चौराहे पर बेवजह सड़क पर निकले एक युवक को पुलिस ने डंडा मार कर घर भेजा। बाद में दोपहर पुलिस की सख्ती की कमी आई, निजी वाहनों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।